हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक एंटी एजिंग, व्हाट इज एंटी एजिंग, जो हमारा वीडियो चल रहा था उसका पार्ट टू लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइक्स आपके आ रहे हैं वीडियोस पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने व्हाट इज एंटी एजिंग का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। आप उस लिंक पर जाकर के मेरा पार्ट वन जो वीडियो था व्हाट इज एजिंग पर, वो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया था दोस्तों कि एजिंग क्या है, कितने तरह की होती है और क्यों एग्जैक्टली एजिंग हमारे शरीर के अंदर आती है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली एजिंग आने के बाद हम उसे ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर एजिंग को ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट से पहले का प्रिकॉशन है। आप एजिंग को आने ही ना दें। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिसके लिए हमें पूछा जाता है कि एजिंग को कैसे डिले किया जाए, कैसे रोका जाए। तो हमेशा मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SPF लगाना, जो आपका सनस्क्रीन है, जो आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल एक प्ले करता है आपके एजिंग को डिले करने के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब हमने कहते हैं आप सनस्क्रीन लगाइए, तो कहते हैं कि हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, हम तो धूप में जाते ही नहीं है, हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, अगर आप एक किशमिश को, किशमिश बनाने के लिए, मतलब जो अंगूर है उसको जब आप किशमिश बनाने के लिए धूप में रखते हैं, वो तो कुछ दिनों में किशमिश बन जाती है। अंगूर और किशमिश में अगर हम डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो होते हैं रिंकल्स और डार्कनेस। अंगूर जो है बहुत फ्रेश होता है, एकदम टाइट स्किन होती है उसकी, जबकि हमारी जो किशमिश उसके अंदर रिंकल्स होते हैं और बहुत ज्यादा डार्क स्किन हो जाती है उसकी। लेकिन अगर आप इस अंगूर को छाया में रखेंगे तो क्या ये किशमिश नहीं बनेगा? बनेगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। तो ये जो समय है, ये ही वो टाइम है जो आप कहते हैं कि मैं धूप में नहीं जाता, मैं घर के अंदर रहता हूं, और फिर भी आप धीरे धीरे एजिंग को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे होते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। सन प्रोटेक्शन फैक्टर लगाकर आप अपनी स्किन को अंगूर से किशमिश में बदलने से रोक सकते हैं। SPF के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपको धीरे धीरे आने वाले मेरे चैनल पर दिखाई देगा। SPF के अलावा विटामिन सी सीरम्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप अपने क्लाइंट्स को खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर आप एंड यूजर हैं तो मार्केट से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके विटामिन सी सीरम्स आते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स में अरोमा थेरेपी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम लोग प्योर असल अरोमा ऑयल्स के असेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं दोस्तों, अब एजिंग को स्टॉप करने के लिए, एजिंग को डिले करने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज होता है दोस्तों, वो होता है फ्रेंकिंसेंस ऑयल और साथ के साथ में आपका बर्गामॉट ऑयल। ये दो ऑयल हैं जो आपके एजिंग को बहुत जल्दी ही डिले करते हैं और बहुत ही लंबे समय तक इसे डिले करके रखते हैं। इसके अलावा मीजोथेरेपी एक बहुत फैबुलस ट्रीटमेंट है, मतलब मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल ट्रीटमेंट अगर आप बोलेंगे तो मीजोथेरेपी, जिसके अंदर हम माइक्रो नीडल्स के थ्रू आपकी स्किन को रैप्चर करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, उसको नेचुरल हीलिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उसको हम लोग तैयार करते हैं, जिसके बाद आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो नेचुरल वे में अपने आप ही डिले हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। मीजोथेरेपी के अलावा एजिंग के लिए अगर हम बात करें, तो माइक्रो ऑक्सीजनेटिंग थेरेपीज अवेलेबल है इस समय पर, जिसके अंदर हम लोग जो कोशिकाएं जो मर रही हैं, जिनको रेगुलर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑक्सीजनेटिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिनको देकर के आप अपने क्लाइंट की स्किन को, अपनी स्किन को हमेशा के लिए खूबसूरत बना करके रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको आगे के मेरे वीडियोस किस सब्जेक्ट पर चाहिए, तो सब्जेक्ट पर मैं आपको वीडियोस बना करके देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको ये होगा कि रेगुलरली जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, स्किन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, वो आपको मिलेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, पास में एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे जरूर दबाएं, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन आएगा, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके बहुत सारे प्यार और बहुत सारे दुलार के लिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बाय बाय.